हूं मैं आप सभी का ब्रेन स्टॉर्म ईडी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस इक्वेशन ई बराबर एमसी स्क्वायर इसके बारे में जानेंगे। आखिर इस इक्वेशन का क्या महत्व है और इसका क्या यूज है। आप सब में से बहुत सारे लोग इस इक्वेशन से फेमिलियर होंगे। इस इक्वेशन का डेरिवेशन वगैरह आपको ईजिली बहुत आसानी के साथ YouTube चैनल पे मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये जो मैंने अपना थंबनेल लगाया उस हिसाब से यहाँ पे मैंने बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा कि एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का क्या रोल है ना। तो देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर ही आखिर क्यों। एम तो मास है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। नाउ देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसने विज्ञान जगत साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को परेशान कर दिया था। विज्ञान जगत में भूचाल ला दिया था इस इक्वेशन ने। सर आइंस्टाइन के द्वारा जो ये इक्वेशन दिया गया था ये विज्ञान जगत के लिए एक वरदान साबित हुआ। हमने लगभग ये बात सभी लोग जानते हैं कि मास चेंज करता है एनर्जी में, इस इक्वेशन से कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मास में और मास का सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी में, चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उत्साहित रहते हैं हम, इंथुसियास्टिक रहते हैं इस बात के लिए कि आखिर इसका भाई आगे यूज़ क्या है। तो हमने बचपन से सीखा इस इक्वेशन के बारे में। लेकिन सामने से आके इस इक्वेशन के बारे में पूछता है कोई, तो एक फिजिक्स विषय से ताल्लुकात रखने के कारण हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें मास को एनर्जी में तथा एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे हमें कि इस सी स्क्वायर का क्या महत्व है, तब हम वहां पे जाके अटक जाते हैं। तो इसी का यूज क्यों होता है सी स्क्वायर का, अगर कोई पूछता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपका वही कन्फ्यूजन दूर करूंगा। तो अगर कोई पूछे सी स्क्वायर का मतलब, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये सी स्क्वायर हम बताते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो क्या ये कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर का ही यूज क्यों हुआ। सी का पावर थ्री का भी यूज हो सकता था, सिंगल ई सी का भी यूज हो सकता था, सी का पावर फोर का भी यूज हो सकता था। आगे हम इस पर बात करेंगे। हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी ले सकते थे। आप बोलेंगे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब है कि डेरिवेशन तो आप इसका आसानी से कर दोगे, लेकिन सी स्क्वायर का रूल क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात है जो E बराबर एम सी स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर इसका हम यूनिट निकालते हैं एनर्जी में, देखिए लगभग हम में से बहुत सारे लोग फिजिक्स में यूनिट्स का वैल्यू नहीं देते हैं, यूनिट्स को वैल्यू नहीं देते हैं। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो मास का यूनिट हो गया kg और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो क्या ये टोटल एनर्जी मेरा निकल गया, क्या एनर्जी एक ही तरह की होती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी भी एक होती है, एक काइनेटिक एनर्जी भी होता है जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 mv² इस बात से आप पूरी तरह से परिचित होंगे कि ये इक्वेशन हमें काइनेटिक एनर्जी का होता है। नाउ क्या काइनेटिक एनर्जी का अगर हम यूनिट निकालें तो कितना हो जाएगा आपका किलोग्राम, इसका भी हो जाएगा मास का मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये क्या, ये इक्वेशन तो बिल्कुल सेम आ गया जैसा आपका ये एनर्जी के टर्म में यहाँ पे निकाला था हमने। अब फिर चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे होता है वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं mgh, मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो इसका क्या लिखेंगे, तो kg और ये इसको भी फिर निकालोगे आप तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या, ये तीनों तो लगभग सेम ही यूनिट आ रहा है। अब आप लगता है धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी फिजिक्स में कोई फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में हो तो उसमें मास और किसी के स्पीड का यूनिट का स्क्वायर होगा ही होगा। ये बात आप ध्यान रखो। अगर आप अपने मन में इन बातों पर मंथन करते हो कि ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर ही क्यों, तब इस बात पर भी आप सवाल उठाओ कि ई बराबर काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² में वी स्क्वायर ही क्यों, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम आगे वाले लेक्चर में इसको देखेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, जो सारे ऑब्जर्वर चाहे किसी भी स्पीड से मूव करें, कि कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी स्पीड के साथ मूव करता है, सेम करे वो सेम फिजिकल लॉ को
ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर केवल एक स्पीड है जो सारे ऑब्जर्वर एक साथ महसूस करेंगे, एंड दैट स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट। सारे ऑब्जर्वर इस स्पीड को एक साथ स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक मास का। रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, m बराबर m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जहां पे v वेलोसिटी ऑफ बॉडी है और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो m नॉट क्या है यहां पे, m नॉट हमने रेस्ट मास ऑफ बॉडी लिया है, और m जो है बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड के साथ साथ मास उसका बढ़ जाएगा। यानी कोई बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, इसका मतलब उसका मास क्या हो रहा है, इट मींस उसका मास इंक्रीज हो रहा है। इसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, अगर बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, तो मास जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मेरे ध्यान से इस बात को सुनिए, जिस तरह रेस्ट मास होता है उसी तरह रेस्ट एनर्जी भी होगा, जिस तरह रेस्ट मास होगा उसी तरह रेस्ट एनर्जी भी होगा। नाउ पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी उसके मास एवं किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, जैसा कि हमने इसे पहले चर्चा करा, और हम लोग फोर्स वाले केस में भी देखते हैं, जो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन एक कांस्टेंट है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी ओवर में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसे अब नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, के बराबर एम नोट हम लोगों ने मान लिया, एम मान के चलो, यह एम आपको क्या है, रिलेटिविस्टिक या मास जो है रेस्ट मास ऑफ बॉडी है, हम यही मान के मैं चल रहा हूँ। ये m यहाँ पे मूविंग बॉडी का मत लेना, ये रेस्ट मास ऑफ बॉडी है, मैं m ही मान के चल रहा हूँ, रेस्ट मास। तो k बराबर 1 बट्टा 2 एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में देखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही ना देखा है हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन यहां पे क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, मतलब बॉडी एट रेस्ट, एंड प्लस बॉडी विच इज इन द मोशन, मतलब बॉडी वाइल मोशन। तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इस केस में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टोटल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक फैक्टर का, हमारा जो टोटल एनर्जी निकला है वो एक फैक्टर का प्रोपोर्शनल होता है, और ये गामा बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वो फैक्टर होता है, जो हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से इसको हम लोग निकालते हैं, जिसका हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेशन इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का क्या रोल है अभी इस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। तो इस फैक्टर का यूज किया गया, इस फैक्टर का यूज हम लोग वाइडर कंटेक्स्ट में करते हैं, लाइक लेंथ कॉन्ट्रेक्शन टाइम डायलेशन ईटीसी में, ठीक है, चाहे रिलेटिविस्टिक मास वाला ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि वेलोसिटी जब जीरो होगा, जब पार्टिकल रुका होगा, उस समय गामा का वन क्या हो जाएगा, मान वैल्यू वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमें निकल रहा है, E बराबर के इंटू एम, जब पार्टिकल रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जब वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम है लेकिन जीरो नहीं है, तो इस केस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक से कम होगा, लेस देन, वेरी वेरी लेस देन वन। तो इस केस में हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, वन बट्टा अंडर रूट वन माइनस ई लगभग बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली वन प्लस वन बट्टा टू ई। ये कहां से आया, तो ये आया है टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग आगे इसको डिराइव करने में यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए, तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जब मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, या वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर लेस देन 1 हमने कर लिया। अगर मान लीजिए v की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी कम हुई, उस केस में तो कम है लेकिन जीरो नहीं है, लेकिन इस केस में काफी कम हुआ, तो हम लोग देखते हैं गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये गामा है लगभग बराबर 1 बट्टा 1 प्लस 1 बटा 2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे E बराबर हमको वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मिला है, जो हमने टेलर सीरीज वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया। अब इसको यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद 1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर गामा का वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग बहुत छोटा लिया जाए तो ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस 1 बटा 2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको हमने बहुत ही छोटा लिया। E बराबर गामा के एम,
गामा इंटू के इंटू एम, तो बहुत ही छोटा ले रहा हूं मैं, तो गामा इंटू के इंटू एम है तो 1 प्लस 1 बट्टा 2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 प्लस 1 बट्टा 2 वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख दिया गामा का। तो यहां पर गामा इंटू के इंटू एम है तो के एम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गामा का वैल्यू ऐसे कैसे हमने पुट कर दिया। आगे बढ़ता हूं मैं, अब टोटल एनर्जी हमें निकालना है, तो टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, के एम प्लस के बाय सी स्क्वायर 1 बट्टा 2 एम वी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि यहां पे आप देखिए के बाय सी स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये इक्वेशन हमें निकल गया। तो E बराबर गामा के एम बराबर गामा एम सी स्क्वायर, और ये गामा एम सी स्क्वायर क्यों हुआ, तो देखियो भाई गामा ऐसे ही रह गया और के की जगह पे हमने रख दिया सी स्क्वायर, एम एम ऐसे ही रह गया। हमने सी स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए जहां हम लोग सी स्क्वायर के बदले कुछ यूज ही नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेना है यहाँ पे, तो इस वाले टर्म में राइट हैंड में यहाँ पे अगर आप मान लो सी रखोगे तो ये टर्म एलिमिनेट नहीं होगा। अगर आप सी स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे पुट करते हो तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे इसलिए E बराबर एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का यूज होता है, या आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर हम सी क्यूब या सी फोर या सी रखेंगे तो यहाँ पे ये टर्म एलिमिनेट नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी जो हमें राइट हैंड में देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग सी स्क्वायर का यूज किए। तो इससे क्या होगा, अब सी स्क्वायर का यूज करने के बाद यहाँ पे हमें के एम प्लस 1 बट्टा 2 एम वी स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉडी जो रेस्ट में है टोटल एनर्जी, और बॉडी जो मूव कर रही है रेस्ट मास एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे गामा के एम, तो यहाँ पे 1 बट्टे 2 इस इक्वेशन में हमने रखा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये के की जगह पे हमने रख दिया सी स्क्वायर, एम ऐसे का ऐसे रह गया। तो ये यहाँ पे गामा एम सी स्क्वायर बराबर ये हो गया कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आपका आ गया। मतलब वही टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी और प्लस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही था आपका सी स्क्वायर का रूल ई बराबर एम सी स्क्वायर में। आप लोग पूरा इसको ध्यान से वीडियो को जरूर देखें, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। यही था आपका सी स्क्वायर का रूल ई बराबर एम सी स्क्वायर में, जो एक फेमस इक्वेशन आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दिया गया था। वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी आप देख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।